हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल फ्रेंड। रिलेशनल ऑपरेटर में जो दो कंडीशन होते हैं, इनके बीच जो रिलेशन होता है उनको जो चेक किया जाता है, जैसे ग्रेटर दैन, लेस दैन करके। और इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट जब भी हम यूज़ करेंगे उसमें लूपिंग स्टेटमेंट यूज़ होता है, जिसमें इफ़ का यूज़ होता है। तो चलिए प्रोग्राम को बना के देख लेते हैं, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। सेम पोजिशन होगा हमारा प्रोग्राम, include dot studio include sorry studio dot h, और यहाँ पर हम main लिखेंगे function bracket open close, और यहाँ पर हमारा braces रहेगा same position की तरह से, क्योंकि main का function का जो program होता है वो इनके बीच में लिखना होता है। हम int लिखेंगे और यहाँ पर हम एक स्पेस करके लिखते हैं x इज इक्वल टू 15, यानी 15 में हमने मान दे दिया x का कि x जो है 15 के बराबर है। ठीक है, इफ लिखा और यहाँ पे हम एक कंडीशन लिखेंगे कि x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10। ठीक है, यानी x जो है 10 से बड़ा है। ठीक है, तो हमने इसको क्लोज किया। और हाँ, जब हम इफ का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें नीचे उसका प्रोग्राम लिखना होता है। ठीक है, तो इस इसका प्रोग्राम को हम यहाँ लिखेंगे प्रिंटफ ब्रैकेट, और इसमें हम स्टेटमेंट जो लिखते हैं वो डबल कोटेड के अंदर लिखते हैं। और हमने बताया था उस प्रोग्राम में कि कैसे हम एन का इस्तेमाल करते हैं। एन से न्यू लाइन मिलता है हमें, यानी जो एक लाइन में चल रहा है उसके नीचे में प्रोग्राम मिले। तो हम यहाँ पर इंटीजर हमने यूज़ किया है तो परसेंटेज डी यूज़ करेंगे, और डबल कोटेड क्लोज कॉमा लगा करके हमें जो वैल्यू प्रिंट करनी है उसको हम एक्स लिखेंगे। ठीक है, हमने एक्स लिखा और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटरप्रेस करके यहाँ पर हम लिख देंगे गेट सी एच। गेट सी एच लिखने के बाद ओपन क्लोज, एंड ये भी अब यूज़ कर लीजिए। एक और चीज़ यहाँ पे हम हर प्रोग्राम यूज़ करते हैं clr, मतलब क्लियर स्क्रीन। ठीक है, अभी प्रोग्राम जब बन जाए तो प्रोग्राम जब भी सी का बनाइए उसको सेव करिए डॉट सी के अंतर्गत। तो क्लिक किया, इसको हम सेव कर लेते हैं रिलेशनल डॉट सी। ठीक है, सी का जो सी लैंग्वेज होता है, इसका जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट सी होता है। इसीलिए हम इसको सी में सेव करते हैं। अब इसको कंट्रोल F9 करेंगे, उसको रन कर लेंगे। देखो, अगर एरर प्रॉब्लम होगा तो वो हमें दिख जाएगा। यहाँ बोला स्टेटमेंट मिसिंग। ठीक है, तो देखो स्टेटमेंट जो मिसिंग होगा उस चीज़ को हमें देखना होता है। यहाँ पे देखो प्रिंटर दिख रहा है, इस प्रिंटर के यहाँ पे स्टेटमेंट का क्लोजिंग नहीं था। ठीक है, तो ये बहुत ही आसानी से आप अपने कंप्यूटर जब आप प्रोग्राम रन कराओ तो एरर को भी आप फाइंड कर पाओगे। तो यहाँ पे देखो आप डायरेक्टली 15 मिल गया हमें। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे रिलेशनल ऑपरेटर को पूरा वर्क लेकर के। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड लोग को भी शेयर कर सकते हैं।